I am Professor N.P. Thatte, welcomes you all in the 44th lecture of Industrial AC Machine Circuit. So my dear students, we have discussed about the effect of increased load with constant, constant excitation. ये point हम last lecture में देख रहे थे, ठीक है? इसमें हमने तीन conditions यहाँ पे देखें, ठीक है? कि जब we will study the effect of increased load on a synchronous motor under conditions of ये तीन conditions हम ये यहाँ पे study करने हैं. एक है normal condition, normal excitation. दूसरा होता है under excitation and third होता है over excitation. Normal excitation means वहाँ पे EB की value V के, EB यानी back EMF और V यानी supply voltage. तो EB and V के value equal होते हैं. उसको नॉर्मल एक्साइटेशन दो. अंडर एक्साइटेशन म्हणजे काय? ईबीची वैल्यू ही लेस देन बी असायला पाहिजे आणि ओव्हर एक्साइटेशन म्हणजे ईबीची वैल्यू ही ग्रेटर देन बी असायला पाहिजे, ठीक आहे? त्यामध्ये मग आपण नॉर्मल एक्साइटेशन सुरुवातीला डिस्कस केले, राईट? सो हियर फिगर आपण शोज दॅट द कंडिशन व्हेन द मोटर इज रनिंग विथ अ लाईट लोड. फिगर मध्ये असं दाखवलंय की मोटर ही रन होते लाईट लोड ला, त्यामुळे इथं टॉर्क अँगल अल्फा वन ची व्हॅल्यू स्मॉल असणार आहे, ई आर वन ची व्हॅल्यू स्मॉल असणार आहे आणि त्यामुळे आय ए वन ची व्हॅल्यू सुद्धा स्मॉल असेल आणि फाय वन इज स्मॉल सो दॅट कॉस फाय वन इज लार्ज. फाय वन ची व्हॅल्यू स्मॉल असल्यामुळे इथं फाय कॉस फाय वन ची व्हॅल्यू लार्ज असणार. ही त्याच्यासाठी फिगर आपण दाखवली होती 38.15A. या फिगर मध्ये हा जो अँगल आहे तो आहे फाय वन आपला, ठीक आहे? आणि त्याची व्हॅल्यू इथं कमी स्मॉल दाखवलेली आपण, ठीक आहे? कारण तिथला टॉर्क अँगल अल्फा वन स्मॉल आहे, ठीक आहे? त्यामुळे ई आर वन ची व्हॅल्यू स्मॉल दाखवली होती आपण तिथं, ई आर वन ची व्हॅल्यू स्मॉल दाखवली, ठीक आहे? आणि ई आर वन स्मॉल असल्यामुळं आय ए वन ची व्हॅल्यू सुद्धा आपण स्मॉलच दाखवली, म्हणून हा आय ए वन स्मॉल दाखवला, ठीक आहे? देन फाय वन हा स्मॉल असल्यामुळं तिथली कॉस फाय वन ची व्हॅल्यू लार्ज असते. सो नाव सपोज दॅट लोड ऑन द मोटर इज इन्क्रीज. आता आपण असं सपोज केलं की मोटरवरचा लोड हा इन्क्रीज झाला, बी फिगर मध्ये दाखवलेले, ठीक आहे? आणि लोड इन्क्रीज झाल्यावर फॉर मीटिंग दिस एक्स्ट्रा लोड मोटर मस्ट डेव्हलप मोर टॉर्क. ये एक्स्ट्रा लोड को मीट करने के लिए मोटर ने वहां पे ज्यादा टॉर्क वहां पे डेवलप करना चाहिए. और मोटर ज्यादा टॉर्क डेवलप करेगी तो वहां पे आर्मेचर करंट मोटर ज्यादा ड्रॉप करेगी, ठीक है? सो अनलाइक डीसी मोटर सिंक्रोनस मोटर कैन नॉट इंक्रीज इट्स आई. जैसे डीसी मोटर में वहां पे क्या होता है, देखो सिंक्रोनस मोटर कैन नॉट इंक्रीज इट्स आई. सिंक्रोनस मोटर यहाँ के आई ए को यानी आर्मेचर करंट को इंक्रीज नहीं करती है वहां की स्पीड डिक्रीज करके. जैसे यहाँ डीसी मोटर में क्या होता है कि अगर आई ए इंक्रीज हो गया तो वहां पे स्पीड भी आपकी डिक्रीज होती है. आई ए इंक्रीज होने के बाद स्पीड वहां पे डिक्रीज होती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में ये नहीं होता है, ठीक है? डीसी मोटर मध्ये जर आई ए ची वैल्यू इंक्रीज झाली तर तिथली स्पीड ही डिक्रीज होत असते, पण सिंक्रोनस मोटर मध्ये तसं होत नाही. सिंक्रोनस मोटर कॅनॉट इन्क्रीज इट्स आय ए बाय डिक्रीजिंग इट स्पीड अँड हेन्स ईबी बिकॉज बोथ आर कॉन्स्टंट इन इट्स केस. आणि इथला ईबी सुद्धा आपण कॉन्स्टंट घेतलेला या केस मध्ये, ठीक आहे? त्यामुळे सुद्धा स्पीड आपली डिक्रीज होत नाही जरी ती व्हॅल्यू आय ए ची इन्क्रीज झाली तरी, ठीक आहे? सो इथं काय काय दिलंय मग? रोटर फॉल्स बॅक इन फेज. रोटर हे फॉल बॅक मध्ये असणार आहे इन फेज मध्ये, कारण तिथला लोड अँगल जो आहे तो इन्क्रीज झालाय अल्फा वन ला, ठीक आहे? या बी फिगर मध्ये दाखवलेलं आहे, ठीक आहे? लोड अँगल इन्क्रीज झाला अल्फा वन ला आणि द रिझल्टंट व्होल्टेज इन आर्मेचर इज इन्क्रीज. त्यामुळे रिझल्टंट व्होल्टेज जे असतं आर्मेचर मधलं ते सुद्धा इन्क्रीज होतं आणि कन्सिडरेबली त्याची न्यू व्हॅल्यू मिळते आपल्याला ई आर टू. सुरुवातीला ई आर वन व्हॅल्यू होती, आता ती ई आर टू झाली, म्हणून इथं दिसते तुम्हाला ही स्मॉल व्हॅल्यू होती, आता ती लार्ज व्हॅल्यू मिळते आपल्याला.
आणि त्यामुळे आय ए वन इन्क्रीजेस टू आय ए टू, आय ए वन ची व्हॅल्यू सुद्धा आता आय ए टू एवढी होईल, ठीक आहे, आय ए टू झाला न्यू व्हॅल्यू त्याची, देअर बाय इन्क्रीजिंग द टॉर्क डेव्हलप बाय द मोटर, म्हणजे तिथला टॉर्क हा जो डेव्हलप केलेला असेल मोटर ना तो सुद्धा तिथं इन्क्रीज होईल. सो फाय वन इन्क्रीजेस टू फाय टू, फाय वन ची व्हॅल्यू फाय टू ला इन्क्रीज होईल अँड त्यामुळे तिथला पॉवर फॅक्टर डिक्रीज होईल. सो दॅट पॉवर फॅक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम कॉस फाय वन टू अ न्यू व्हॅल्यू कॉस फाय टू. क्लिअर आहे? सो धिस ऍक्च्युअली हॅपन्स इन द नॉर्मल एक्साइटेशन. ठीक आहे. सो सिन्स इन्क्रीज इन आय ए इज मच ग्रेटर दॅन द स्लाइट डिक्रीज इन द पॉवर फॅक्टर, यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है आई ए में वो मच ग्रेटर होता है वहां पे जो स्लाइट डिक्रीज होता है पावर फैक्टर में उससे. ठीक है, जो इंक्रीज होता है आई ए मध्ये तो मच ग्रेटर असणार आहे जो तिथं स्लाइट डिक्रीज होतो पॉवर फॅक्टर मध्ये त्याच्यापेक्षा. त्यामुळे टॉर्क डेव्हलप बाय द मोटर ही इन्क्रीज, त्यामुळे जो टॉर्क डेव्हलप केलेला असेल मोटर ना तो इन्क्रीज झालेला असेल न्यू व्हॅल्यूला टू सफिशियंट टू मीट द एक्स्ट्रा लोड पुट ऑन द मोटर. कारण तिथल्या एक्स्ट्रा लोड जो पुट होतोय मोटरवरती त्याला मीट करण्यासाठी सफिशियंट तिथं टॉर्क डेव्हलप झाला पाहिजे मोटरमध्ये. त्यामुळं आय ए ची व्हॅल्यू जी इन्क्रीज होती ती मच ग्रेटर असणार आहे तिथल्या स्लाइट डिक्रीज इन पॉवर फॅक्टर पेक्षा. अँड इट विल बी सीन दॅट इसेन्शियली इट इज बाय इन्क्रीजिंग इट्स आय ए दॅट द मोटर इज एबल टू कॅरी द एक्स्ट्रा लोड पुट ऑन इट. ठीक आहे, इसेन्शियली वहां पे अगर आय ए की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मोटर जो है वो मोटर आपकी एक्स्ट्रा लोड जो उस पर पुट हो रहा है उसको कैरी करने के लिए वो मोटर आपकी कैपेबल होनी चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम है आपकी नॉर्मल एक्साइटेशन के लिए. ठीक है, ये दो ईबी के फेजर दिखाए हैं, ये ई वन का फेजर स्मॉल दिखाया है, ई टू का फेजर, ई आर टू का फेजर यहाँ पे लार्ज दिखाया है. ठीक है, देन ये आई ए वन फर्स्ट केस में देखा है हमने, बाद में वो पढ़ के आई ए टू बन जाएगा. तो यहाँ पे ये नॉर्मल एक्साइटेशन है तो ई बी की वैल्यू बी के इक्वल में होगी. ठीक है, ये अंडर एक्साइटेशन के लिए डायग्राम है जो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं अंडर एक्साइटेशन. सो फेस समरी ऑफ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज लोड ऑन सिंक्रोनस मोटर, जो फेस समरी है हम वहां का इंक्रीज लोड जो कर रहे हैं सिंक्रोनस मोटर का उसका क्या समरी यहाँ पे हमने सीन किया है. देखो ये 38.16 ए फिगर में कि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है हमें कि देर इज अ कंपेरेटिवली मच ग्रेटर इंक्रीज इन आई ए देन इन पाई. आई ए की वैल्यू जो है वो मच ग्रेटर इंक्रीज हो रही है. देखो स्टार्टिंग के केस में यहां तक ही रहा है आई ए, अभी वो मच ग्रेटर इंक्रीज हो रही है देन पाई से. ठीक है, पाई वन से. तो ये हमें फेज समरी मिलती है नॉर्मल एक्साइटेशन. ठीक है, नाउ सेकंड केस है अपना अंडर एक्साइटेशन. सो हियर अंडर एक्साइटेशन के लिए ये डायग्राम है आपकी. ठीक है, तो यहां पे दिख रहा है ये ईबी है, दो फेजर ईबी के, ये आई ए वन का फेजर है, ये आई ए टू का फेजर है, ये ई आर वन का फेजर है, ये ई आर टू का फेजर है, और ये सप्लाई वोल्टेज का फेजर. ठीक है, अंडर एक्साइटेशन मीन्स ईबी यानी बैक ईएमएफ की वैल्यू लेस देन सप्लाई वोल्टेज होनी चाहिए, तब उसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेशन. सो हियर एज शोन इन फिगर विद अ स्मॉल लोड, हम स्मॉल लोड अप्लाई करने वाले हैं मोटर पे एंड हेंस स्मॉल टॉर्क एंगल अल्फा वन. स्मॉल लोड देने की वजह से वहां का टॉर्क एंगल भी आपका अल्फा वन स्मॉल रहेगा एंड आई वन आई ए वन की लैग्स बिहाइंड भी, आई ए वन यहाँ पे लैगिंग में ही लिया है अपने वी से. ठीक है, एंड बाय अ लार्ज फेज एंगल फाइ वन. ठीक है, लैगिंग में लिया है लेकिन यहाँ पे अभी फेज एंगल जो है ये दोनों में वी एंड आई ए वन में ये अभी लार्ज बन गया है. ये देखो यहाँ पे भी जो फेज एंगल था वी एंड आई ए वन में वो कम था लेकिन यहाँ पे ज्यादा हो गया अभी फेज एंगल. ठीक है, विच मीन्स पुअर पावर फैक्टर. इसका मतलब क्या है, वहां पावर फैक्टर पुअर है आपका. सो अनलाइक नॉर्मल एक्साइटेशन अ मच लार्जर आर्मेचर करंट मस्ट फ्लो फॉर डेवलपिंग द सेम पावर. जैसे नॉर्मल एक्साइटेशन में क्या हो रहा था कि मच लार्जर आर्मेचर करंट मस्ट फ्लो फॉर डेवलपिंग द सेम पावर. सेम पावर डेवलप होने के लिए आप मोटर में से मच लार्जर आर्मेचर करंट वहां पे फ्लो होना चाहिए बिकॉज वहां का पावर फैक्टर आपका पुअर है. एंड दैट इज वाई आई ए वन ऑफ द फिगर 30
8.16V, ये जो है IA1, ठीक है, इज लार्जर देन IA1 ऑफ फिगर 38.15A. यहां पे देखो 15A यानी 38.15A, यहां ये फिगर में जितना IA1 की वैल्यू है, इससे यहां की जो IA1 की वैल्यू है वो कैसी है, लार्ज, ठीक है. नाउ एज द लोड इंक्रीजेस, अगर वहां का लोड इंक्रीज करेंगे अपन, देन ER1 की वैल्यू इंक्रीज होके ER2 बन जाएगी, ठीक है. यहां पे दिख रहा है ER1 की वैल्यू इंक्रीज होके ER2 बन जाएगी अभी ये वैल्यू, ठीक है. देन कॉन्सिक्वेंटली IA1 की वैल्यू इंक्रीज होके IA2 बन जाएगी एंड पावर फैक्टर एंगल डिक्रीजेस फ्रॉम 51 टू 52. पावर फैक्टर एंगल आपका डिक्रीज हो जाएगा 51 से 52 तक, या फिर पावर फैक्टर इंक्रीज होगा आपका cos 51 से cos 52, ठीक है. समझ ला, लोड जर इंक्रीज झाला तर ER1 ची वैल्यू इंक्रीज होऊन ER2 बनेल, IA1 ची वैल्यू इंक्रीज होऊन IA2 बनेल, आणि पॉवर फॅक्टर आहे तो डिक्रीज होईल आपला 51 कडून 52 कडे, किंवा पॉवर फॅक्टर आपला इंक्रीज होईल cos 51 कडून 52 कडे. सो ड्यू टू इंक्रीज बोथ इन IA अँड पॉवर फॅक्टर, इथं आता दोन्ही आर्मेचर करंट आणि पॉवर फॅक्टर इंक्रीज झाल्यामुळे पॉवर जनरेटेड बाय द आर्मेचर इंक्रीजेस. पॉवर जनरेट के लिए असेल आर्मेचर ने ती इंक्रीज होईल इंक्रीज्ड लोड ला मीट करण्यासाठी, ठीक है. सो एज सीन इन दिस केस चेंज इन पॉवर फैक्टर इज मोर दैन द चेंज इन आय. या केस मध्ये एवढा काही चेंज होतो पॉवर फैक्टर मध्ये तो जास्त चेंज असणार आहे आयए पेक्षा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अंडर एक्साइटेशन. और थर्ड केस है इसमें ओवर एक्साइटेशन. तो व्हेन रनिंग ऑन लाइट लोड, अगर हम मोटर को रन कर रहे हैं लाइट लोड पे, देन अल्फा वन की वैल्यू स्मॉल रहेगी बट IA1 की वैल्यू कंपेरेटिवली लार्जर रहेगी, और वो IA1 हमें लीडिंग कंडीशन में लेना है V से बाय लार्जर एंगल Φ1, ठीक है. Φ1 इतने लार्जर एंगल से आपको IA1 की वैल्यू लीडिंग मिलेगी अभी, क्योंकि ये ओवर एक्साइटेशन. IA1 की वैल्यू ये देखो, अभी ये सप्लाई वोल्टेज है, ये IA1 है, लीडिंग लिया है यहाँ पे बहुत Φ1 cos Φ1 एंगल से, ठीक है. Φ1 एंगल से ये IA1 लीडिंग में लिया है अभी, ठीक है. सो IA1 इज कंपेरेटिवली लार्जर एंड लीड्स V बाय लार्जर एंगल Φ1. लाइक द अंडर एक्साइटेड मोटर, जैसे अंडर एक्साइटेड मोटर में हमने देखा मोटर को लोड अप्लाई कर रहे हैं हम, तो पावर फैक्टर वहां का इंप्रूव हो रहा है एंड अप्रोचेस यूनिटी, वो अप्रोच कर रहा है यूनिटी की तरफ, ठीक है. सो द आर्मेचर करंट आल्सो इंक्रीजेस, उसकी वजह से आपका आर्मेचर करंट भी वहां पे इंक्रीज हो रहा है, देयर बाय प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी इंक्रीज आर्मेचर पावर. और आर्मेचर करंट इंक्रीज हो गया तो वहां पे जो नेसेसरी इंक्रीज आर्मेचर पावर है मोटर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा टू मीट द इंक्रीज अप्लाई लोड. वहां का इंक्रीज अप्लाई लोड मीट होने के लिए आपकी जो नेसेसरी इंक्रीज आर्मेचर पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर वहां का आर्मेचर करंट इंक्रीज होता, ठीक. समझ लो, ठीक है. आर्मेचर करंट जर इंक्रीज झाला तर इथं जी नेसेसरी इंक्रीज आर्मेचर पावर आहे जी मोटर प्रोड्यूस करते ती सुद्धा आपली इंक्रीज व्हायला पाहिजे, कारण जे इंक्रीज अप्लाई लोड आहे आपला त्याला मीट करण्यासाठी ही आपली आर्मेचर पॉवर नेसेसरी आर्मेचर पॉवर सुद्धा तिथं इन्क्रीज झाली, ठीक. आणि त्यामुळं इथं हा बॅक EMF दोन फिगर दाखवली आपण, ER1 सुरुवातीला स्मॉल दाखवला, ER2 हा जास्त दाखवला, IA1 हा स्मॉल दाखवला, IA2 त्याच्यापेक्षा थोडासा लार्जर दाखवला, ठीक आहे. पण आता IA1 आणि IA2 हे लिडिंग मध्ये घेतले आपण सप्लाय व्होल्टेज, म्हणून या कंडिशन ओव्हर एक्साइटेशन इन विच EB इज ग्रेटर दॅन V. समझ में आया. तो ये तीन कंडीशन हमने आज के लेक्चर में देखे हैं, ठीक है. पहला नॉर्मल एक्साइटेशन देखा, ठीक है, बाद में हमने अंडर एक्साइटेशन डिस्कस किया, और थर्ड केस हमने डिस्कस किया ओवर एक्साइटेशन, क्लियर. सो हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट इन दिस केस, ये केस में क्या होता है ओवर एक्साइटेशन की देखो, तो पावर फैक्टर एंगल वहां का डिक्रीज होता है एंड पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है. पावर फैक्टर एंगल डिक्रीज होता है तब पावर फैक्टर इंक्रीज हो रहा है,
फास्टर रेट से आर्मेचर करने से, देयर बाय प्रोड्यूसिंग द नेसेसरी इंक्रीज पावर, और वहां पे नेसेसरी इंक्रीज पावर वहां पे प्रोड्यूस हो रही है टू मीट द इंक्रीज लोड अप्लाई टू द मोटर. जो इंक्रीज लोड अप्लाई कर रहे हैं मोटर को, उसको मीट करने के लिए नेसेसरी इंक्रीज वहां पे पावर इंक्रीज हो रही है मोटर जो प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, समझ लो. याची समरी काय आहे सांगता येईल पहा मग आपल्याला. मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग अबाउट थ्री केसेस कॅन बी समराइज्ड एज अंडर. फर्स्ट, एज लोड ऑन द मोटर इंक्रीजेस, आय ए इंक्रीजेस रिगार्डलेस ऑफ एक्साइटेशन. लोड जर इंक्रीज झाला मोटरवरचा तर आय ए इंक्रीज होणार आहे, मग एक्साइटेशन कुठलंही असू द्या. ठीक आहे, अगर वो आपका नॉर्मल एक्साइटेशन आहे या फिर अंडर एक्साइटेशन है या ओवर एक्साइटेशन है, अगर लोड बढ़ रहा है मोटर के ऊपर का तब आपका आईए भी वहां पे इंक्रीज हो जाएगा. सो फॉर अंडर एक्साइटेड एंड ओवर एक्साइटेड मोटर्स पावर फैक्टर टेंड्स टू अप्रोच यूनिटी विद द इंक्रीज इन लोड. अंडर एक्साइटेड आणि ओवर एक्साइटेड मोटर्स के लिए वहां का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी की तरफ अप्रोच करता है जब वहां पे आपका लोड इंक्रीज होता है. ठीक है, अंडर एक्साइटेड आणि ओवर एक्साइटेड मोटर साठी पावर फॅक्टर हा युनिटी कडे अप्रोच करतो जसजसा तो आपला तिथला लोड मोटरवरचा इन्क्रीज होईल तसा तसा. ठीक आहे, देन थर्ड, बोथ दी अंडर अँड ओव्हर एक्साइटेशन चेंज इन पॉवर फॅक्टर इज ग्रेटर दॅन इन आय ए विथ इन्क्रीजिंग. या अंडर एक्साइटेशन आणि ओव्हर एक्साइटेशन मध्ये जर पॉवर फॅक्टर जर चेंज झाला, चेंज इन पॉवर फॅक्टर इज ग्रेटर असणार आहे आईए पेक्षा विथ इंक्रीजिंग लोड. ठीक है, तो इंक्रीजिंग लोड होतो है त्यामुळे चेंज इन पावर फैक्टर जो है तो ग्रेटर देन आईए असणार आहे इन आईए पेक्षा. ठीक, फोर्थ पॉइंट है विथ नॉर्मल एक्साइटेशन. नॉर्मल एक्साइटेशन मध्ये व्हेन द लोड इज इंक्रीज चेंज इन आईए इज ग्रेटर. लोड जर इंक्रीज झाला तर चेंज जो होतो आईए मध्ये तो ग्रेटर देन असणार आहे पावर फैक्टर पेक्षा. And which tends to become increasingly lag. And so, increasingly lagging condition मध्ये तिथं जाणार आहे. ठीक आहे, तर हे पॉइंट आपण इथं समराइज करू शकतो. या वर्षात तीन कंडिशन आपण डिस्कस केल्या. क्लिअर आहे, समजू आहे ना, कुछ डाउट है इसमें. नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिफरेंट टॉर्क्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर. जैसे हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अलग अलग टाइप्स टॉर्क देखे, वैसे सिंक्रोनस मोटर में भी चार टाइप्स के टॉर्क है. एक होता है स्टार्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है रनिंग टॉर्क, थर्ड होता है पुल इन टॉर्क एंड फोर्थ होता है आपको पुल आउट टॉर्क. तो स्टार्टिंग की है, इसके डेफिनेशन देखे हैं हमने. ठीक है, बहुत बार डेफिनेशन आपके मैंने एग्जाम में पूछे गए हैं इसके. तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, इट इज द टॉर्क डेवलप बाय द मोटर व्हेन द फुल वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट्स स्टेटर वाइंडिंग. जब हम फुल वोल्टेज अप्लाई करते हैं स्टेटर वाइंडिंग को मोटर के, तब जो टॉर्क डेवलप करती है मोटर उसको बोलते हैं स्टार्टिंग टॉर्क. ठीक है, जब अपन फुल वोल्टेज अप्लाई करते है इतने स्टेटर वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग मोटर का, जो टॉर्क डेवलप के लिए मोटर ना अपन स्टार्टिंग टॉर्क. ठीक है, इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज ब्रेक अवे टॉर्क. कभी कभी अपन ब्रेक अवे टॉर्क सुधा मानते. ठीक है, देन दूसरा टॉर्क है अपना रनिंग टॉर्क. So as its name indicates, it is the torque developed by the motor under running condition. ठीक, running torque म्हणजे काय, की जो torque motor ना develop केलेला असेल running condition मध्ये त्याला म्हणतो आपण running torque. So it is determined by the horsepower. ये कैसे determine करते हैं हम running torque को, उसके horsepower से, motor के horsepower से हम उसको determine कर सकते हैं. And speed of the driven machine. जो भी ड्रिवन मशीन है उसके स्पीड से भी हम रनिंग टॉर्क को वहां पे डिटरमाइन कर सकते हैं. पीक हॉर्स पावर डिटरमाइंस द मैक्सिमम टॉर्क. पीक हॉर्स पावर क्या करती है, वहां के मैक्सिमम टॉर्क को डिटरमाइन करती है. दैट वुड बी रिक्वायर्ड बाय द ड्रिवन मशीन. वो रिक्वायर्ड होता है आपके ड्रिवन मशीन. ठीक है, देन नेक्स्ट, द मोटर मस्ट हैव अ ब्रेकडाउन और अ मैक्सिमम रनिंग टॉर्क. आपके मोटर में ब्रेकडाउन या फिर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क ग्रेटर देन दिस वैल्यू इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉलिंग. ठीक, मोटर में आपके ब्रेकडाउन या फिर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क ग्रेटर होना चाहिए इस वैल्यू से, ताकि वहां की जो स्टॉलिंग है उसको हम अवॉइड कर सकें. ठीक, ये होता है आपका रनिंग टॉर्क.
एंड थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉर्क है पुलिंग टॉर्क. सिंक्रोनस मोटर इज स्टार्टेड एज इंडक्शन मोटर टिल इट इट रन्स 2 to 5% बिलो द सिंक्रोनस. सिंक्रोनस मोटरला आपण स्टार्ट करतो इंडक्शन मोटर म्हणूनच, जोपर्यंत त्या मोटरची स्पीड ही 2 to 5% बिलो सिंक्रोनस स्पीड असते तोपर्यंत आपण सिंक्रोनस मोटरला स्टार्ट करतो इंडक्शन मोटर. ठीक आहे. सो आफ्टरवर्ड एक्साइटेशन इज स्विच ऑन, त्याच्यानंतर तिथलं एक्साइटेशन स्विच ऑफ केलं जातं अँड रोटर पुल्स इन टू स्टेप. रोटर तिथलं पुल केलं जातं स्टेप मध्ये विथ अ सिंक्रोनस सिंक्रोनसली रोटेटिंग स्टेटर फील. रोटर पुल्स केलं जातं पुल केलं जातं तिथं स्टेप मध्ये सिंक्रोनसली रोटेटिंग स्टेटर फील बरोबर. ठीक आहे. तेव्हा तिथलं एक्साइटेशन हे स्विच ऑन होईल तेव्हा. ठीक आहे. देन द अमाऊंट ऑफ टॉर्क ऍट विच द मोटर विल पुल इन टू स्टेप इज कॉल्ड एज पुलिंग टॉर्क. ठीक है. पुलिंग टॉर्क डेफिनेशन दिया है यहाँ पे कि जो अमाउंट ऑफ टॉर्क है जो मोटर को पुल इन टू स्टेप करती है उसको ही बोलते हैं पुलिंग टॉर्क. ठीक है. तो मतलब जो अमाउंट ऑफ टॉर्क है ज्यादा मोटर ही पुल इन टू स्टेप के लिए जाते हैं. ठीक है. मोटर ही पुल के लिए जाते स्टेप्स मधे पुलिंग टॉर्क. एंड लास्ट टॉर्क है यहाँ इसमें पुल आउट टॉर्क. सो द मैक्सिमम टॉर्क विच द मोटर कैन डेवलप विदाउट पुलिंग आउट ऑफ द स्टेप. ठीक है. जो मैक्सिमम टॉर्क है जो मोटर इधर डेवलप करते विदाउट पुलिंग आउट ऑफ द स्टेप और सिंक्रोनिज्म त्यालाच म्हणतो आपण पुल आउट टॉर्क. ठीक है. नॉर्मली वेन द लोड ऑन द मोटर इज इंक्रीज, नॉर्मली अगर मोटर का लोड इंक्रीज हो रहा है इट्स रोटर प्रोग्रेसिवली टेंड्स टू फॉल बैक इन फेज बाय सम एंगल, जिसको बोलते हैं लोड एंगल. ठीक है. तो लोड हा मोटर वरचा इंक्रीज होतो तेव्हा इथलं रोटर हे प्रोग्रेसिवली फॉल बॅक मध्ये जाते इनफेज मध्ये काहीतरी अँगल ना, त्या अँगलला आपण लोड अँगल नाव दिलेलं आहे. तो बिहाइंड सिंक्रोनसली रिव्हॉल्विंग स्टेटर फील्ड, या सिंक्रोनसली रिव्हॉल्विंग स्टेटर मॅग्नेटिक फील्डच्या फॉल बॅक मध्ये जातं रोटर इथं इनफेज मध्ये काहीतरी अँगल ना, त्याला म्हणतो आपण लोड अँगल. तो दो इट कीप्स रनिंग सिंक्रोनसली, भलेही ते सिंक्रोनसली रन होत असत तरी सुद्धा ते फॉल बॅक मध्ये असतं इन फेज मध्ये या सिंक्रोनसली रिव्हॉल्विंग स्टेटर मॅग्नेटिक फील्डच्या रोटर. ठीक आहे. म्हणून त्याला आपण लोड अँगल म्हणतो त्या अँगल. सो मोटर डेव्हलप्स मॅक्झिमम टॉर्क वेन इट्स रोटर इज रिटार्डेड बाय अन अँगल ऑफ एंटिटी. मोटर वहां पे मॅक्झिमम टॉर्क डेव्हलप करता है जब उसका रोटर ये रिटार्डेड होता है 90 डिग्री एंगल्स. ठीक है. एनी फर्दर इंक्रीज इन लोड विल कॉज द मोटर टू पुल आउट ऑफ स्टेप और सिंक्रोनाइज़ एंड स्टॉप. अगर फर्दर आप इंक्रीज करते हो लोड में मोटर के तब मोटर आपकी पुल आउट होती है स्टेप्स में से या फिर सिंक्रोनिज्म से एंड बाद में वो आपकी मोटर स्टॉप होती है. ठीक. ये फर्दर जर इंक्रीज केला लोड मोटर वरचा आपण तर मोटर ही पुल आउट होते स्टेप मधून किंवा सिंक्रोनिझम मधून आणि नंतर ती स्टॉप होऊन जाते म्हणून तिला नाव दिलेलं आहे पुल आउट टॉर्क. ठीक आहे. ये चार टाइपचे टॉर्क आहे देखे. ठीक आहे. स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क, पुलिंग टॉर्क अँड पुल आउट. ओके. स्टॉप. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच.